नमस्कार हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो देश में जो है लोकसभा चुनावों को लेकर मतगणना अभी जारी है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या माहौल है आपके समक्ष पूरी खबर जरूर साझा करेंगे। तो इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। तो हिमाचल में मतगणना जारी, चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे। अब तक की मतगणना में कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर अब भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज 68,851 से अधिक मतों से लीड कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर सीट पर भाजपा के ही अनुराग ठाकुर 46,571, इसके अलावा मंडी से कंगना रनौत 19,861 व शिमला से सुरेश कश्यप 23,070 से अधिक मतों को लीड के साथ आगे हैं। वहीं सभी चारों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा, विक्रमादित्य सिंह, आदित्य सोफत व सतपाल रायजादा पीछे चल रहे हैं। रामपुर से चौथे राउंड में विक्रमादित्य सिंह 6,570 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरी ओर लाहौल स्पीति उपचुनाव में डॉक्टर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामलाल मारकंडा आगे चल रहे हैं। इसी तरह धर्मशाला सीट से भाजपा के सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। बड़सर सीट से भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल आगे वो कांग्रेस के सुभाष चंद्र ढटवालिया पीछे हैं। गगरेट सीट से कांग्रेस राकेश कालिया के 2,491 के साथ आगे चल रहे हैं। चैतन्य शर्मा पीछे हैं। तो प्रमुख रूप से ये रही खबर कि हिमाचल में लोकसभा चुनावों को लेकर मतगणना जारी है, जिसमें कि चारों लोकसभा सीट पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।